नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से एस और एच लेटर की हेल्प से एलिफेंट का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आपको पहले एक एस लेटर लिखना होगा, इधर से करिएगा, नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर गाइज इसको आपको ऊपर की तरफ ऐसे उठाना होगा। इस तरह आप एस लेटर लिखिएगा। एस लेटर लिखने के बाद आप इधर एक एच लेटर लिखेंगे। और गाइज़, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आप आसानी से एक एच लेटर लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या होगा, इधर से हमें इस एलिफेंट का ईयर बनाना होगा। यहाँ से ऐसे करिएगा, फिर गाइस इधर से नीचे की तरफ बढ़ाइए, आगे की तरफ बढ़ाइएगा, हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए आसानी से इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। इसको भी हम यहाँ से ऐसे टच कर देंगे। टच करने के बाद ऊपर के साइड में आपको एक छोटा सा 3 नंबर लिखना होगा। 3 नंबर लिखने के बाद दोस्तों, आपसे हमारा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको पता है एलिफेंट का लोकप्रिय भोजन क्या है, यानी कि हाथी को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर से हम इसको डबल करेंगे, इधर ले जाइएगा, यहाँ तक बढ़ाइए, हल्का सा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, फिर गाइस इधर से आपको नीचे की तरफ यहाँ से ऐसे बढ़ाना होगा। इसको नीचे की तरफ करिएगा, ऊपर की तरफ कर दीजिएगा। जस्ट बगल से ही आपको इस एलिफेंट का टीथ बनाना होगा। यहाँ से ऐसे टच कर दीजिए, एक टीथ आप यहाँ पर भी ऐसे बना दीजिएगा। इसको आप ऐसे एक बड़ा सा पतला सा वी लेटर लिखेंगे। अब आपको बनाना है एलिफेंट का लेग। इधर से नीचे की तरफ करिएगा, यहाँ से बहुत ही सावधानीपूर्वक, पहले तो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाइए, इधर आपको डबल करना होगा, यहाँ तक ले जाइएगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे दोस्तों, इसको आप ऐसे मिलाइएगा, छोटे छोटे आप यहाँ पर 3 नंबर लिख देंगे। 3 नंबर लिखने के बाद आपको ये दूसरा लेग बनाना है, इधर से ले जाइए, यहाँ से आपको बाहर की तरफ करना होगा, ये करिएगा, इधर बढ़ाएंगे, आसानी से यहाँ पे मिलाइए। और दोस्तों, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर से आपको यहाँ से ऐसे बढ़ाना होगा, ऊपर की तरफ करिए, ये हो जाएगा, इधर ऐसे ले जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लाकर आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। आपको इधर से एलिफेंट का टेल बनाना होगा, इधर डबल करिए, नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे लीफ शेप में बना दीजिएगा, फिर गाइस आपको इधर ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाते हुए इस एच लेटर का यूज करते हुए लेग बनाना होगा। यहाँ से बढ़ाइए, इधर मिलाइएगा, यहाँ पर आप 3 नंबर लिख देंगे। एक लेग आपको इस साइड भी बनाना होगा, इधर करिए, हल्का सा बाहर की तरफ हम करेंगे, यहाँ से करिए, छोटे छोटे आप 3 नंबर लिखेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ एक लाइन आपको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना होगा, इसको इधर से ऐसे मिलाइएगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको इस लाइन को डबल करना होगा। डबल हो जाने के बाद दोस्तों, एक छोटा सा यहाँ पर आप ऐसे सर्किल बनाएंगे, इस सर्किल को भी डबल करिएगा, इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक लाइन इधर ड्रॉ करिएगा, इस साइड आप ऐसे लाइन को बढ़ा देंगे। अभी जब हम इसको कलर करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर आपको एलिफेंट का आई बनाना होगा, इधर से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, छोटे छोटे लाइनें सूंड के ऊपर आप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से आप ऐसे छोटे छोटे लाइनें आसानी से ड्रॉ कर दीजिएगा। नीचे के साइड में दोस्तों, आप ग्रास बना दीजिएगा, यहाँ पर भी छोटे छोटे लाइनें ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको दोस्तों यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, इस लाइन को हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ाते जाएंगे, बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको डबल करना होगा। यहाँ से करिए, इधर से हम डबल करेंगे, छोटे छोटे लाइनें ड्रॉ करेंगे, इसकी हेल्प से हम लीव्स बना देंगे, इधर भी बनाइएगा, यहाँ पर भी आप ऐसे छोटे छोटे पतले पतले लीव्स बना दीजिएगा, ऊपर की तरफ इधर बढ़ाएंगे, इस साइड बनाइए, यहाँ पर बनाइए, इधर भी डबल कर दीजिएगा, यहाँ पर भी ऐसे बढ़ा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ शुगर कैन बना लेते हैं और आसानी से कलर भी करना हम सीख लेते हैं।